कैसे हैं आप सब। लास्ट लास्ट वीडियो में मैंने पत्ता गोभी और पनीर की रेसिपी आप लोग के लिए लेकर आई थी। आज मैं आप लोग के लिए पनीर की ही दूसरी रेसिपी लेकर आई हूँ, पनीर की सब्जी, जो मैं सिंपल वे में और सिंपल और इजी वे में जल्दी से फटाफट रेडी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं मेरी वीडियो में कि उस सब्जी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। तो इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है पनीर, पनीर को छोटे पीसेस में काट लिए, और इसके साथ ही मैंने लिया है मसाले। मसाले में मैंने लिया है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल पाउडर और हल्दी पाउडर। साथ ही मैंने लिया है शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज और गोटे मसाले में दालचीनी, इलायची और एक लौंग। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में तेल मेरी गर्म हो गई है और अब मैं पनीर इसमें ऐड कर रही हूँ, पनीर को सैलो फ्राई करने के लिए। पनीर फ्राई हो जाने के बाद मैं उसे प्लेट में निकाल लूँगी। उसी कढ़ाई में मैं वापस से हरी मिर्च और प्याज ऐड करूँगी। प्याज को हल्का सॉटे कर लें, प्याज में बस हल्का कलर चेंज आना है, उसे ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है दोस्तों। प्याज हल्का जब कलर चेंज हो जाएगा प्याज का, तो उसमें हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे ताकि प्याज और शिमला मिर्च साथ साथ ही पके, अदरवाइज़ प्याज जो है वो जलने लगेगा, ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स, प्याज और शिमला मिर्च थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, वो हाफ टेबल स्पून से, हल्का कम ही है क्योंकि सब्जी की क्वांटिटी मेरी ज़्यादा नहीं है, कम है। तो जितना आपके सब्जी का क्वांटिटी हो उसी हिसाब से आप सारी चीज़ों को यूज़ करें फ्रेंड्स। और पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि उसका कच्चापन का जो टेस्ट है वो निकल जाए। उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। मसाला में मैंने पहले बताया था जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड किया है, मैंने बस हाफ हाफ स्पून ही ऐड किया है, ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। ज़्यादा मसाला अगर आप ऐड करोगे तो वो हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता है, और हल्का मसाला ही इस सब्जी में यूज़ होता है फ्रेंड्स। और अब इस मसाले को थोड़ा सा पकने देंगे, और इसके साथ ही इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देंगे ताकि मसालों के साथ साथ टमाटर भी पक जाए, और इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, एक मिनट के लिए। थोड़ी देर बाद देखेंगे हम फ्रेंड्स कि ये ऑयल छोड़ने लगेगा मसाला, तो इसमें हम ऐड करेंगे दूध। अगर ज़्यादा दूध नहीं डालना चाहते आप तो हाफ़ कटोरी दूध में हाफ़ कटोरी पानी भी आप ऐड कर सकते हो, वैसे भी डाल सकते हो या सिर्फ दूध भी डाल सकते हो। और दूध डालने के बाद उसे मैं मिक्स करूँगी, और इसे एक बॉयल आने के बाद इसे मैं ढक दूँगी। एक मिनट बाद वापस से मैं लीड हटाऊंगी, और देखिए ग्रेवी जो है वो थिक हो गई है पहले से, और टमाटर भी जो है अच्छी तरह से पक गया है। टमाटर को भी मैं चेक कर लूँगी, टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें मैं अपने पनीर को जो मैंने फ्राई करके रखा था मैं वो ऐड करूँगी, और अब एंड में ये मैं जितना मेरा सब्जी है उस हिसाब से टेस्ट के अनुसार मैं नमक ऐड करूँगी। आपको ज़्यादा नमक खाने की आदत है तो ज़्यादा, पर हल्का नमक ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो मैंने बहुत कम नमक यूज़ किया है, सब्जी की टेस्ट ख़राब हो जाती है अगर नमक ज़्यादा हो तो।
इसलिए मैं हल्का ही नमक डालना सही मुझे सही लगता है। इसे मिक्स करूंगी फ्रेंड्स और इसे ढक दूंगी। ढकने के बाद वापस से मैं लीड हटा के देखूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पनीर में मसालों में पानी जो है, ग्रेवी जो है, वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। फ्रेंड्स, मेरी अब ये सब्जी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप देख लीजिए आपको किस तरह का टेक्सचर ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा ग्रेवी या ड्राई ग्रेवी हो, तो उस हिसाब से आप अपनी ग्रेवी रखें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ग्रेवी बिल्कुल सूख जाएगा। फ्रेंड्स, थोड़ी देर के बाद मैंने देखिए अपनी सब्जी को सर्व किया है रोटी के साथ। आप चाहे तो इसे पराठे पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हो। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।